प्रश्न है कि परमात्मा ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु, और वो भी ऐसा बिंदु जिसको संसार के किसी भी यंत्र से नापा या देखा नहीं जा सकता, और उस बिंदु में 5,000 वर्ष की रिकॉर्डिंग कैसे होगी? नहीं मानते हैं। अब कोई नहीं मानता, कैसे और क्यों का क्वेश्चन उठाता है। समझाने का प्रयास तो करेंगे। आपने मेमोरी कार्ड देखा होगा, उस मेमोरी कार्ड के अंदर प्लास्टिक की लंबी चौड़ी बाहर एक दो शीटें होती हैं, जिनके ऊपर ढेर सारी तारों का जाल होता है, और उन तारों के जाल के बीच में एक सिल्वर का, चांदी का कुछ तत्व रखा जाता है, बहुत छोटा होता है। आप समझ सकते हैं कितना छोटा होता है। और उस छोटे से चांदी के टुकड़े में, प्योर चांदी का होता है वो, और उसको कुछ विशेष सिस्टम से सेट किया जाता है कि आप देखो कि उसमें हम अब 64 GB, 128 GB और आगे आप देखेंगे और ज़्यादा, जितने जितने भी उनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसमें रिकॉर्डिंग कैपेसिटी वो हमने बनाई है, अल्प बुद्धि मनुष्यों ने बनाई है। यह हमारी असमर्थता है कि हम इन आंखों से उस बिंदु को नहीं देख सकते। अब हमें समझ मिल गई है, हम अनुभव कर सकते हैं, और ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हर आत्मा में, चाहे वो मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है, धर्म आत्मा है, परम आत्मा है, या पशु पक्षी जीव जंतु की आत्मा है, सब में 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। सब में 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। और जहां से मैं तुम्हें थोड़ा और आगे लेके चलू, सूक्ष्म से सूक्ष्म कोरोना के अंदर भी, जिसमें आत्मा नहीं है, 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। नेचर का छोटा से छोटा एटम भी, जो स्वयं कहीं मूव नहीं कर सकता, जड़ है, उसमें भी 5,000 साल की रिकॉर्डिंग है। एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेट फॉर्म में उसने पहुंचना है।
बहुत बहुत गहराई से इस बात को नोट करना। बड़े से बड़ा चांद, बड़े से बड़ा ग्रह, बड़े से बड़ा उपग्रह, बड़े से बड़ा सूर्य, बड़े से बड़े तारे, वो भी एक्यूरेट 5,000 के रिकॉर्डिंग में पूरे यूनिवर्स के अंदर, हर चीज के अंदर 5,000 ईयर्स के रिकॉर्डिंग, तब भी वो नेक्स्ट कल्प में एक्यूरेट टाइम पर अपना रोल प्ले करते। इतना गहराई से इसे समझना है और अपनी बुद्धि को समझाना है। तभी और सबको भी समझा सके। जिसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक खजूर जो विदेश से आई है, उस एक खजूर के अंदर मैं उसे खा रहा हूं, कुछ हिस्सा गिर गया है। क्या वो पहली बार गिरा है? हर 5,000 साल बाद गिरते हैं। अब उसने किस जीव के पास पहुंचना है, किस कीड़े के पास पहुंचना है, कहां जाना है, वो मूव करे। चाहे वो कूड़े में जाए, चाहे वो किसी वस्तु के साथ जाए, चिपक के जाए, लपक के जाए, झपक के जाए, एक्यूरेट टाइम पर पहुंचेगा। कई बार आप देखते हैं, मैं खा रहा हूं, किसी और का भी हिस्सा है, उसे हाथ से तोड़ कर आधा देते हैं। कौन सा हिस्सा उधर जाना है, फिक्स है, रिकॉर्डेड है, एक्यूरेट। ड्रामा में वो एक्यूरेट समझना है। ये रिकॉर्डिंग वंडरफुल रिकॉर्डिंग, ये इस रिकॉर्डिंग को हम फास्ट भी नहीं कर सकते, स्लो भी नहीं कर सकते, ऐड भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते। ये पावर हमारे पास तो क्या डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर, क्रिएटर के पास भी नहीं है। इतनी इतनी निश्चितता के साथ इस एक्यूरेसी को समझना और समझाना। ओके, ओम शांति। और विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।